और हम जा रहे हैं आपका कैलाश गुफा धाम। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मतलब रास्ता है, कैसे जाएंगे, जाने के बाद वहाँ का लोकेशन दिखाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना विनय महंत अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कैलाश गुफा घूमने के लिए, और हम लोग काफ़ी सारे लोग हैं और दो ठो गाड़ी में जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत लोग हैं, ये देख सकते हैं, और साथ ही आएंगे अभी। एक गाड़ी और सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, वो वाला गाड़ी भी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड। अभी हम लोग कापू में रुके हैं और साथ ही आ रहे हैं ना, उनका वेट कर रहे हैं, उनको भी लेके जाना है। तो वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। तो फ्रेंड चलिए हम कापू से निकल जाते हैं, साथी लोग भी आ गए हैं और आगे सीतापुर में भी हमारे साथी आएंगे। तो सीतापुर में भी मतलब लेना है और एक दो जने को, उसके बाद से और आगे वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड। Thank you.
अभी हम लोग सीतापुर पहुंच चुके हैं। आप लोग सीतापुर को देख रहे थे अभी, और सीतापुर बस स्टैंड में हैं हम लोग। वो ये वाला इंटरफेस, वो वाला इंटरफेस आपका सीतापुर बस स्टैंड है। और मतलब और साथ ही यहाँ सीतापुर से आ रहे हैं उनको भी ले लेंगे हम लोग, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे अपने कैलाश गुफा के लिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा फ्रेंड, बाकी बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। आप होटल मिलता है वहाँ पर नाश्ता करने का। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हम लोग बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कैलाश गुफा का सीमा जो है हम प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, पीछे कितना सुंदर नज़ारा है। ये देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन चारों तरफ से, बहुत ही सुंदर जगह। ये हम कैलाश गुफा का सीमा प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से, देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। पंडरापाट वाला रोड को छोड़ रहे हैं हम लोग और कैलाश गुफा वाला रोड को पकड़ रहे हैं। चलिए फ्रेंड आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। गाड़ी खड़ा करने का स्थान है, गाड़ी खड़ा हुआ है। बहुत ही बड़ा दर्शनीय स्थल है ये, और बहुत ही दूर दूर के लोग यहाँ पर देखने को आते हैं। ये बैक साइड से आप देख सकते हैं, यहाँ इसी रास्ते से हम लोग अब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ये वाला प्रवेश द्वार से हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ का जगह को, ये नारियल वगैरह खरीदने वाली जगह। चलिए आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं गहिरा गुरुजी महाराज की तपोभूमि में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। ये बोर्ड देख सकते हैं, बूढ़ा महादेव दर्शन खुलने का समय सुबह 7 बजे से साय 4:30 बजे तक। ये देखिए, और सर देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बंदर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। फोटो खींचा लो फोटो। ये देखिए वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। ये इधर भी देखिए, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बहुत ही प्यारे। चलो अंदर घुस जाते हैं थोड़ा। कैसे जी, कैसे हो, बहुत अच्छे हो ना। ये हाँ, जय बूढ़ा महादेव, कृपया जूता चप्पल उतार कर परिसर में प्रवेश करें। यहाँ देख सकते हैं सूचना बोर्ड लिखा हुआ, देखिए बहुत ही बड़ा। गजराज जी विराजमान है यहाँ,
ये देख सकते हैं बहुत बड़ा गजराज जी है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। ये वाला रास्ता भी चढ़ लेते हैं। ये देख सकते हैं जय बूढ़ा देव। चलिए इधर से निकलने का रास्ता तो है शायद, इसमें चले जाते हैं, इस इधर चले जाते हैं, थोड़ा इधर देख लेते हैं। नंदी जी विराजमान है यहाँ, ये देख सकते हैं नंदी जी के श्री चरण में प्रणाम कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, अब इसको क्या नाम लें हम, आप लोग देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है इनका नाम। और मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं किस प्रकार से इनका डरावना भेष है। तो फ्रेंड बूढ़ा महादेव का स्थान को हम लोग देख चुके, अब नीचे की ओर चलते हैं जहाँ पर झरना है। ठीक है, वीडियो पर बने रहिए। ये देख सकते हैं यहाँ से अच्छा रोड बना दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ देख सकते हैं, ये वाला रास्ता भी बंद है, नहीं तो मैं आगे चलकर आप लोगों को दिखाता। चलिए पहले इधर को घूम लेते हैं, अगर जाने का रास्ता रहेगा तो मैं उधर भी घुमाऊंगा आप लोगों को। ये देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर हैं। अब रास्ता कौन सा है मेरे को भी पता नहीं है। ये देखिए, ये इस रास्ते पे चले जाते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं किस प्रकार सो रहे हैं अंदर लोग। ये देख सकते हैं नीचे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग पहले इस सीढ़ी से उतर जाते हैं नीचे। ये देखिए बहुत सारे लोग। देख सकते हैं यहाँ का सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ आपको। बाल कटिंग का स्थान यहाँ पर है, जहाँ पर फोटो शूटिंग प्लेस देखिए। ये देखिए नीचे तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा।
तो यहाँ देख लिए यहाँ का नज़ारा, नीचे का नज़ारा हम लोग देख लिए, अब चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। ये वाला रास्ता में जाएंगे। हाँ है ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता पता नहीं कहाँ जाता है, जाके देखेंगे तो पता चलेगा। चलिए ये वाला लेफ्ट वाला रास्ता में थोड़ा जाके देखते हैं कैसा है रास्ता और क्या है आगे। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पूरा झरना। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वाटरफॉल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ का कैलाश गुफा का, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ का पूरा चारों तरफ का सीन देख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो फ्रेंड बहुत ही सुंदर और बहुत ही जगह का नज़ारा आप लोग देख लिए होंगे, ये देखिए पूरी जगह को आपको और एक बार घुमा घुमा के दिखा देता हूँ। बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हैं, टूरिस्ट लोग देख सकते हैं। अरविंद हेलो फ्रेंड, हाय फ्रेंड, बाय, हेलो, ये देख सकते हैं सभी लोगों को आप, ये देख सकते हैं ये वाला रास्ता अभी आए थे वही जगह है, गुफा वाली जगह है जो कि कैलाश गुफा का एक मुख्य हिस्सा है, वो तो अभी बंद है मतलब समय में हम लोग नहीं पहुंच पाए, नहीं तो मैं आप लोगों को गुफा को भी दिखाया रहता। तो ठीक है फ्रेंड चलिए ऊपर चलते हैं। वाह वाह क्या बात, कैसे हीरो बहुत गजब के दिख रहे हो यार तुम लोग तो। चलिए अब मंदिर तो बंद है तो फिर ऊपर की ओर चलते हैं, ये देख सकते हैं ऊपर। तो फ्रेंड अब कैलाश गुफा का मुख्य पार्ट्स को तो हम नहीं देख पाए, मतलब मुख्य भाग को, क्योंकि एक निश्चित समय में खुलता है और उस समय में हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो पूरा जगह तो घूम ही लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल विन्नू स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।